आज देश में वर्तमान परिस्थितियों में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो सभी आंदोलन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हो रहे हैं और एक षड्यंत्र के तहत ये आंदोलन चल रहे हैं। आज लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण जो है ये कोई भीख नहीं है दलितों के लिए, ये एक संवैधानिक अधिकार है दलितों का और इस संवैधानिक अधिकार से कोई भी नेता और कोई भी सरकार वंचित नहीं कर सकती दलितों को। मैं सवर्ण जाति के अपने बड़े भाइयों को ये अनुरोध सहित कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आरक्षण खत्म चाहिए, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि आप शैक्षणिक आरक्षण तत्काल प्रभाव से खत्म कर दीजिए और हमारी दलित महापंचायत ने यह तय भी किया है कि शैक्षणिक आधार पर दलितों को मिलने वाला आरक्षण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए और राजनीतिक आरक्षण जिससे MLA MP और राज्यसभा सदस्य और MLC बनते हैं वो राजनीतिक आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाए। हम सवर्णों की इस मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ सवर्णों को और देश के हर नेता को लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय को ये निर्णय करना होगा कि अगर आरक्षण खत्म करना है तो आपको 1932 का वो अधिकार भी बहाल करना होगा जो 1932 में 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के साथ हुए समझौते में पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। इसके बाद जब पृथक निर्वाचन का अधिकार देश के दलितों को मिला था तभी महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान आ गए थे और उन्हें अंग्रेजों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वो यरवदा जेल में जेल काट रहे थे। तभी वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से जो पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग की है मैं इस मांग से सहमत नहीं हूं, मैं पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं चाहता, मैं इन दलितों को सहूलियत देना चाहता हूं। जब कई दिन हो गए और महात्मा गांधी जी मरणासन अवस्था में आ गए तब बाबा साहब यरवदा जेल में गए थे और एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मैं साफ करना चाहता हूं पृथक निर्वाचन का अधिकार वो था, अगर वो निर्वाचन का अधिकार हमें मिलता तो आज लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद में आज आधे आधे जनप्रतिनिधि दलितों के होते, आधे सवर्ण होते और आधे दलित होते। ये उस समय 1932 में इस देश के दलितों के साथ घोर धोखा हुआ था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं संगीनों के सहाय में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके आया हूँ, मैं जानता था कि अगर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए और कोई अनहोनी होती है तो मेरे समाज का क्या होगा। पृथक निर्वाचन का अधिकार एक ऐसा अधिकार था कि दलित प्रतिनिधि को चुनता और वही दलित एक सवर्ण प्रतिनिधि को चुनता। हम वोट मांगने किसी के पास नहीं जाते, लोग वोट मांगने हमारे पास आते। हम तो अपने वोट से दलित को जिता के भेज देते लेकिन सवर्ण कोई प्रत्याशी होता तो उसको वोट देने का अधिकार हमारा था, यानी पृथक निर्वाचन के अधिकार से हमको 2 वोट देने का अधिकार था। लेकिन महात्मा गांधी जी जिनको हम श्रद्धे के रूप में आज भी मानते हैं और कहते हैं, हमने उनकी कभी आलोचना नहीं की, हालांकि दलितों के साथ लंबे पैमाने पे जो धोखा हुआ था वो यरवदा जेल में हुआ था, पूना पैक्ट के तहत हुआ था। अगर आपको आरक्षण खत्म करना है तो 1932 का वो समझौता भी आपको लागू करना होगा, आपको पूना पैक्ट रद्द करना होगा। अगर आप आरक्षण खत्म करते हैं तो पूना पैक्ट को बहाल करिए, आप 1932 के पृथक निर्वाचन के अधिकार को बहाल करिए, ले लीजिए इस आरक्षण को, हम भी बहुत परेशान हैं। आए दिन आरक्षण का विरोध, आए दिन दलित एक्ट का विरोध, ये सुन सुन करके हमारे कान पक गए हैं। आप लीजिए आरक्षण को, हमने नहीं मांग की थी, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में जो बना किसी भी देश के दलित ने इस एक्ट की मांग नहीं की थी। खुद 1955 में छुआछूत अधिनियम जो बना था उसमें कुछ कमियां थी
उन कमियों को पूरा करने के लिए उस 1955 छुआछूत अधिनियम को खत्म किया गया था। ये राजीव गांधी जी ने तैयार किया था और माननीय बीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब इसको लागू किया गया था। आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बदलाव करने का प्रयास किया तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके इसको बहाल किया गया है। और जो शोर शराबा हो रहा है देश में कि FIR दर्ज होते ही सवर्ण को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये भ्रम फैलाने का प्रयास है। इस एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इस एक्ट में कोई गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, इस एक्ट में सवर्णों के उत्पीड़न का कोई मामला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से कि लोग कहते हैं कि हरिजन एक्ट का विरोध होगा, ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, हरिजन एक्ट का दुरुपयोग होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में जितने अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं जो 1000 से ज्यादा हैं, क्या उनका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या IPC, CRPC, CPC इनका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? इन सारी चीजों का दुरुपयोग है। क्या दहेज के मुकदमों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या धारा 376 का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? धारा 354 का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? आपने IPC का विरोध क्यों नहीं किया? आपने CPC का विरोध क्यों नहीं किया? आपने CRPC का विरोध क्यों नहीं किया? आपने केवल अनुसूचित जाति के लोगों को, जिनको कि कवच के रूप में, उनकी सुरक्षा के रूप में दिया गया है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैं सवर्ण भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो आए जगदीशपुरा में और मैं उनको लेकर के यहां से 20 किलोमीटर आगे ले जाऊंगा और वो किसी और दलित बना के ले जाऊंगा मैं उनको, और वो किसी सवर्ण की चारपाई पर बैठ के दिखा दें तो हम समझ लेंगे कि हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म हो गया है। वो भी नहीं बैठ सकते, उन पर भी अन्याय अत्याचार होगा। आज गांव में देखिए, बिहार में एक दलित महिला को नंगा घुमाया गया। ये देश हमारा है क्या? हम हिंदू नहीं है? हमने कहा था जितनी आबादी अमेरिका में सभी लोगों की है, काले और गोरों की, उतनी आबादी इस देश में केवल दलितों की है। और दलितों को उपेक्षित करके, दलितों को अपमानित करके, दलितों की भावना को ठेस पहुंचा करके, अगर आप ये चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म को मजबूत कर लेंगे, कदापि नहीं हो सकता। आपको हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए दलितों को गले लगाना होगा।